एक दिन बांद्रा स्टेशन पे जो है मेरे फादर और मेरी मदर मुलाकात हो गई। दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस शहर से हम लोग जो है कहीं दूर चले जाएं। तो इतने में एक ट्रेन आई और रुकी और उस पर लिखा था विरार लोकल। उन्होंने कहा ये ट्रेन जहां जाके रुकेगी हम लोग वहीं बस जाएंगे, और दोनों जाके ट्रेन में बैठ गए। इकसठ बासठ या बासठ तिरसठ के तकरीबन यहाँ पे जो है आए थे, और यहाँ जो है शेख साहब का मकान हुआ करता था, जहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहीं जो है हम लोगों ने 20 साल जो है हम यहीं बच्चे थे, गोविंदा यहीं पैदा हुआ, यहाँ पे पुराना उनका मकान हुआ करता था। चिच्ची भैया ने डांस जो है सबसे पहले यहीं से जो है शुरू किया करना, स्टेज के ऊपर से। डैडी ने चिची का चिची नाम रख दिया उसका। चिची कहते हैं ये छोटी उंगली को, वो हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा था। लेकिन जब भगवान ने उसको जो है ईश्वर ने कृपा कर दी अपनी, और मैंने देखा उस कृपा को, जहाँ कृपा देखता हूँ मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, तो मैंने कहा इसको मैं चिची नहीं बोलूंगा, मैंने उसको चिची भैया कहना शुरू कर दिया। उनकी स्ट्रगल थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने वो सब कुछ किया जो जल्दी कोई आदमी कर नहीं सकता। उन्होंने गूफी पेंटल जी के काम मांगने के लिए उनके घर के पंखे साफ किए। एक प्रोड्यूसर ने उनको बरसात में खड़ा कर दिया, लेट क्यों आए। अब वो एक्सप्लेनेशन बेचारा देने वाला बच्चा नहीं, वो तो शरीफ बच्चा, और ब्रेक मिला हुआ तो बरसात में खड़ा रहा, उसके तो आंसू भी जो है बरसात में बह गए होंगे, लेकिन वो टूटा नहीं, पनिशमेंट सहता रहा, जहां तक सह सकता था सहा। हमने उनको 22-22 घंटा शूटिंग करते हुए देखा है, चार चार शिफ्टों में शूटिंग करते हुए देखा है। मैं उनके हार्ड वर्क से बे इंतहा इंस्पायर हुई हूँ। चिची भैया रात को आते थे बाहर से स्ट्रगल करके काम करके, और रात को आके मुझे ये मोटी मोटी रोटियां बना के और भाजी बना के और खिलाते थे। बड़ी मजेदार बात है कि कोई एक भाई ऐसे बहन को बना के खिलाए। सारा दिन उनसे काम करवाया जाता था, धनिया ला दो, पुदीना ला दो। पूरे विरार गांव ने चिच्ची भैया का नाम मम्मी की बहू रख दिया था। कितनी भी कठिनाइयां है वो अपने डगा नहीं, हिला नहीं। हम थोड़े हिल जाते थे, अरे छोड़ नहीं, कहाँ जाना है यहाँ जाना, उससे मिलना जाके मिलता था। भले लोग बोलते अरे हीरो, ये हीरो। उनको देख के ये पता चल सकता है कि इस वक्त जो है ये डिस्टर्ब है, या इस वक्त खुश है, या इस वक्त ये आनंद में है, या इस वक्त ये नाराज है, लेकिन वो मुंह से नहीं कहते कभी। एक दिन मुझे उसने आके पूछा, पप्पू भैया पैसे कितने आए। मैंने कहा देखना चाहते हो, कहता हाँ। मैंने कहा ठीक है, अलमारी खोली, कुछ पैसे रख दिए उसके सामने, वो लेट गया पैसों के ऊपर। अरे पप्पू भैया ये सब मेरे पैसे हैं। मैंने कहा सब तुम्हारे। कला के इस विशाल सागर को शब्दों की छोटी सी गागर से कैसे छलका सकती हूँ। विशाल हृदय संपूर्ण व्यक्ति को आदर से देखा करती हूँ। देखो तो चिच्ची भैया ने कैसे स्कूल को तारा, और माँ का ऐसा लाडला हो। जियो चिच्ची भैया दुलारा, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, बेबी लव्स यू।